Assalamualaikum, मैं हूं जमाली, यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। और इस वक्त हम स्टॉकहोम के एक डिस्ट्रिक्ट हैग्विक सोलेटुना में और सोचा कि वीडियो बनाई जाए अच्छी सी, तो यह देख रहे हैं, यह असल में साइकिल ट्रैक है और वॉक भी कर सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, 10:15 बज रहे हैं और लोग जो हैं साइकिलिंग शाम में करते हैं। तो ये सख आपको आवाज़ आ रही होगी मुझे मेरे वॉक करने की, इसलिए कि हम रेतीली ज़मीन पे चल रहे हैं तो इससे कुछ डिस्टरबेंस पैदा हो रही होगी। फिर भी बहुत ही अच्छा ट्रैक है ये चलने के लिहाज से। अमूमन यहाँ पर लोग चलते हैं, इस तरफ भी आप देख सकते हैं। अभी ये बच्चों का पार्क भी है आके। और यहाँ सबसे ख़ास बात ये है कि वॉकिंग ट्रैक जो है उन्होंने जंगलों में बनाए हुए हैं, लेकिन कि बहुत ही सेफ जोन है, सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं होगी तो फिर यहाँ पे इंश्योरेंस से क्लेम हो जाता है अगर कोई भी ऐसे किस्म की कोई एक्सीडेंट हो या कुछ हो, तो इसलिए इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल यहाँ रखा जाता है। बस ये है कि अगर गवर्नमेंट ईमानदार हो तो दुनिया का हर मुल्क तरक्की करता है, हर मुल्क में पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट होती है। लेकिन एशियन कंट्रीज़ और इधर उधर जो है वहाँ के लीडरों की वजह से पूरे मुल्क बर्बाद हो चुके हैं और वो लूट लूट के पैसा इन्हीं मुल्कों में आके बैठते हैं। कभी ये उनके जहन में ख़्याल नहीं आता कि अपने मुल्क को भी इस जैसा रखें। यहाँ आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, बेहतरीन तालीम हासिल करते हैं और वहाँ जाके तालीम के बिल्कुल बरक्स काम करते हैं। ऐसा लगता है किसी जंगल की यूनिवर्सिटी में पढ़ के गए कि जितना अच्छा पढ़ते हैं उतनी अच्छी करप्शन करते हैं। मेरे ख़्याल से वो लोग पढ़ते भी इसीलिए हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कि अगर वहाँ पे अगर ईमानदारी सिखाई जाती है तो वो ईमानदारी के खाने में बेईमानी लिख देते हैं। और यही वजह है, इन मुल्कों ने तरक्की करने की वजह यह है कि इन्होंने सच बोला है, ईमानदार हैं, करप्शन फ्री कंट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से ये कामयाब हैं। और किसी ने बेईमानी करने से, ईमानदारी करने से किसी ने रोका नहीं है, लेकिन हम ब्लेम इनको देते हैं कि इन ये हमको करने नहीं देते ईमानदारी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल तो वॉर है इकॉनमी, आप अपनी इकॉनमी अच्छी करें तो दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, लेकिन पूरा मुल्क लूट के चोरी बेईमानी करते हैं जो लोग, वही गवर्नमेंट में आते हैं तो वो मुल्क बर्बाद हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं या टुकड़े हो जाते हैं। स्पेशली साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अमूमन ऐसी गवर्नमेंट आती हैं जो कि मुल्कों को सिर्फ खाती हैं। मेरे बराबर से जो रोड जा रहा है, मैंने आपको बताया ही था कि नॉर्वे डेनमार्क है ये जा रहे हैं,
ये जो आपको आवाज़ें आ रही हैं मोटरसाइकिल की हैं, ये जो फ़नी मोटरसाइकिल्स होती हैं। और ये देखें, ये साइन बोर्ड लगा है हाईवे का, जिस पर आप नॉर्वे जा सकते हैं, यानी ओस्लो, ओस्लो का बोर्ड लगा है, ओस्लो जा सकते हैं यहाँ से। ये ख़ास बात है। तो बस जाती है, आप बस में बैठें, नॉर्वे और ओस्लो पहुँच जाएँ। खैर, अब हम वापस चलते हैं। तो ये था, और ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है, ये है साइकिल ट्रैक, और आप वॉक भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दूर तक मैं दिखा दिया, लेकिन यही वॉक अगर चाहें तो आप पैदल ओस्लो भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि तकरीबन 350 किलोमीटर या तकरीबन 400 किलोमीटर या 400 किलोमीटर यहाँ से है स्टॉकहोम से ओस्लो। ओस्लो जो है वो कैपिटल है नॉर्वे का। और इसी तरह अगर आप डेनमार्क जाना चाहें तो यहाँ से जो है तकरीबन बाय रोड अगर आप जाएं तो 10-12 घंटे में आप डेनमार्क पहुँच सकते हैं। और अगर आप फिनलैंड जाना चाहें तो वो भी यहाँ से बोट्स वगैरह जाती हैं, यानी क्रूज़ शिप जाते हैं, जो कि इस किनारे से चलते हैं और उस किनारे पे लग जाते हैं। तकरीबन 1 से 6 घंटे में पहुँच जाता है क्रूज़ शिप, जो बड़ा होता है। वो टूरिस्ट होते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा चक्कर ले लेते हैं। ये सारी बात, खैर, रिहायशी घर भी हैं यहाँ पर और फ्लैट्स भी हैं। तो ये सारी बात है। चलें, खैर, अगली वीडियो तक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, और फिर अगली वीडियो।